अस्सलाम वालेकुम। चलें आज मैं आपको टेस्ला दिखाता हूँ। दुबई में ये पहली गाड़ी हमारी टेस्ला, और इसके मैं आपको बताता हूँ क्या फंक्शनैलिटी है। पाकिस्तान में तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी एक दो के पास ही होगी, लेकिन यहाँ पर टेस्ला बहुत ज़्यादा हैं। और इसकी फंक्शनैलिटी कुछ यूँ है कि सारी की सारी गाड़ी ऑटो है। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ना, ये स्क्रीन पर मिररिंग जो आपको नज़र आ रही है, ऊपर वाला कैमरा, एंड देन नीचे ये जो आप देख रहे हैं ये वाली चीज़, ये ऑटो सेंसिंग हो रही है दोनों साइडों से। ये आपको बता रहा है कि पीछे क्या चीज़ है क्या नहीं है। वो वहाँ पे गाड़ी खड़ी थी लेफ़्ट साइड पे राइट पे, और वो सेंसर बता रहा था कि यहाँ पे गाड़ी है। अब यहाँ पर गाड़ी है, आगे भी एक गाड़ी है, ये देख रहे हैं आप। लेकिन गाड़ी जो है वो ऑटो स्टॉप हुई है ब्रेक के साथ। ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाई, बल्कि ये गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है जब इसको पता चलता है कि आगे कोई गाड़ी ऑलरेडी खड़ी है, या रिवर्स कर रहे हो पीछे कोई गाड़ी हो, फिर भी ये ऑटो स्टॉप हो जाती है। और आप जितनी मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, जो मर्ज़ी कर लें, ये गाड़ी अपनी जगह से नहीं हिलेगी जब तक या तो आगे वाली गाड़ी साइड पे ना हो, या अगर पीछे रिवर्स कर रहे हैं पीछे वाली गाड़ी पीछे ना हो। ओके, तो ये है टेस्ला। कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। एवरी थिंग जो है इसमें वो टच के साथ है। वन टच करेंगे तो डोर ओपन होगा, टच करेंगे तो ये गाड़ी स्टार्ट हो गई। और ये सारा जो आपको मॉनिटर नज़र आ रहा है, सारा कुछ यहाँ से हैंडल होता है। बहुत अच्छी मैपिंग इसकी है, और इवन के ये ऑटो पायलट भी है, ऑटो ड्राइव भी हो सकती है। अब यहाँ पर ये देखें इसके कैमरास, ये देखें इसके बैक लेफ्ट साइड राइट साइड एंड बैक साइड। अब यहाँ पे ये पार्किंग कर रहे हैं, और ये आपको देखो पूरा बता रहा है यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ है। ओके, तो ये देखें ये रेड लाइन आपको बता रहा है कि आप, सेंसर बता रहा है कि वो आप फुटपाथ के बहुत ज़्यादा करीब हैं। यहाँ पर ये चेक करें, ये लाइनिंग भी आपको बता रहा है, और साथ ही ये आपको ट्यून से भी पता चल जाता है। ये चेक करें आप, ज़बरदस्त। ओके, थैंक यू।